ये रिश्ता क्या कहलाता है केस, ये सीन के बाद भड़के लोग बोले विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीकेजी लाइफस्टाइल न्यूज, आपके साथ मैं हूँ सना खान। दोस्तों, रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड देखने के बाद दर्शक भड़क गए हैं। दरअसल आज के एपिसोड में दिखाया गया कि रूही अभीरा को सब कुछ सच सच बता देती है, वह विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करती है और अभीरा पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। अभीरा भी चुप नहीं बैठती, वहीं रूही की बात का मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि कम से कम मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक तो नहीं उड़ाया। सिर्फ रूही नहीं बल्कि स्वर्णा और सुरेखा भी अभीरा पर रूही की खुशियां छीनने का इल्जाम लगाते हैं। ऐसे में अभीरा टूट जाती है और रोने लगती है। अभीरा को रोता देख लोग उदास हो गए हैं, वहीं सोशल मीडिया पर रूही को खरी खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अभीरा की क्या गलती है, उसे खुद नहीं पता था कि अरमान किसी और से प्यार करता है। वहीं सच्चाई सामने आने के बाद अभीरा का अरमान के ऊपर से भरोसा उड़ गया है। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी अरमान के पास वापस नहीं जाएगी। इसी बीच बीते दिन अरमान और अभीरा की एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में अरमान और अभीरा खुश नजर आ रहे थे और दोनों ने शादी का जोड़ा पहना हुआ है। ऐसे में अब दर्शक ये जानने के लिए उत्साहित है कि अरमान अभीरा को वापस अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आएगा। क्या उसे दादी सा की हरकत के बारे में पता चल जाएगा? क्या माधव अरमान का साथ देगा? आपको बता दें, इसके अपकमिंग एपिसोड्स में काफी कुछ ड्रामा देखने को मिलने वाला है।